हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में अमीन भर्ती को लेकर फिर से आ चुका है एक लेटेस्ट अपडेट, और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो रिक्त पद पड़े हुए हैं अमीनों की, तो उसमें जो है जो कार्यरत अमीन है वो अपने बहाली के लिए बोल रहे हैं बिहार सरकार से। तो इसका क्या है पूरा अपडेट, तो जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप चाहते हैं कि जॉब्स के अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, बिहार में जो है एक्साइज दरोगा जो भर्ती आया था 18 में, उसका जो है मुख्य परीक्षा का जो तिथि घोषित हो चुका है, कब इसका डेट है जाके आप वीडियो देखिए और तक कीजिए, और डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो वीडियो को जोर देखिए। और LRC बिहार में जो काउंसलिंग हो चुका है, और आप जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो है रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग में नियोजन संबंधी सूचना यहाँ पर जारी किया है विभाग ने, जल्द मिलने वाली है नियुक्ति पत्र, तो ये अपडेट क्या है जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बिहार में जो है जो अब पुलिस भर्ती होगी, तो उसमें जो है बहुत सारे जो है नियमों में बदलाव किया गया है, दौड़ में बदलाव किया गया है, और सभी कैटेगरी का जो न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है उसमें भी बदलाव किया गया है। तो पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को आप देखिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और बिहार में शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का जो अपडेट मैंने दिया था कल परसों भी, तो उसमें फ्रेंड्स एक नया अपडेट मैंने दिया है कि जो बहाली आने वाली है उससे पहले ये सब जानना जरूरी है आपको कि कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है, उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, वेतन क्या है, अनुभव कितना चाहिए, सब कुछ मैंने इसमें बताया है। तो फुल जानकारी के लिए एक वीडियो को देखिए आप। और बिहार में जो है समाज कल्याण विभाग में फिर से नई भर्ती आने वाली है जो कि बिल्कुल अस्थायी बहाली होगी, तो ये भी अपडेट बिल्कुल नया है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। और बिहार में एक बंपर भर्ती चल रही है ग्रामीण डाक सेवक की, जो कि 1063 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, जो 10th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। फुल डिटेल्स के लिए वीडियो को देख लीजिए, ये सारा वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको अमीन का जो भर्ती का नया अपडेट आया है उसका पूरा अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट जो कि आज का ही पेपर में आया है, तो मैंने वहाँ से निकाला है ये अपडेट, रिक्त पदों पर कार्यरत अमीनों की बहाली हो। ये अपडेट आया है बिहार पटना से। बिहार राज्य उजरत भोगी अमीन संघ ने अमीन के रिक्त पदों पर वर्षों से कार्यरत उजरत भोगी अमीनों को अनुबंध पर बहाल किए जाने की मांग की है, और उन्होंने कहा कि मांग पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में 13-14 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, और इसके बावजूद मांग नहीं सुने जाने पर अमरण अनशन करेंगे। संघ के महासचिव मदन गोपाल पंडित ने कहा कि राज्य के विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में अल्प पारिश्रमिक पर कार्यरत उजरत भोगी अमीन का अमीन, सर्वेयर, मुंशीराम, परिमाप, निरीक्षक आदि पदों पर समायोजन जो है होता आया है, और हम लोगों का भी जो है इसी में समायोजन किया जाए। यानी बिहार राज्य में जितने भी जो है अमीन के पद रिक्त हैं, और जो पहले से काम कर रहे हैं अमीन का बहुत सारे विभाग में, सरकारी विभाग में, तो उन लोगों का कहना है कि जितने भी रिक्त पद पड़े हुए हैं वो रिक्त पदों में जो है हम लोगों का समायोजन किया जाए। तो ये जो अपडेट आया है ये नई भर्ती को लेकर नहीं है, बल्कि जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोग जो है अपना मांग को लेकर सरकार से ये अपना मांगा है, अनुरोध किया है कि जो खाली पद पड़े हुए हम लोगों का जो है उस पर अनुबंध पर बहाली किया जाए। तो यही था अपडेट जो लोग काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।